हमारे नरेंद्र मोदी जी जरूर आना चाहिए, हमारा गॉड है वो, हमारा गॉड। हाँ गॉड है मोदी जी। हाँ हम मंडिया में सब बोलते हैं हमारा गॉड मोदी जी है, हमारे गर्व है, हमारे बीजेपी आना चाहिए। एक नेशनल प्रश्न अच्छा मिला है हमारे को, जो काम जाए वो यार वो अच्छा बंद है। पहला कर्नाटक में एक ही एक खाता खुला है, ये बार मेरा है, कितना विधानसभा क्षेत्र है सब भी मोदी जी से आंदे। राहुल गांधी जितना बोल रहे इतना तो मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र में आज तक कोई बोला होगा। जो मन में आ रहा बोल रहे, जो मन में आ रहा बोल रहे। वो तो कौन मनीष शंकर अय्यर जी, उन्होंने कहा नीच। राष्ट्र हित के लिए ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। मोदी जी दुनिया के सबसे ईमानदार नेता हैं, उनके बारे में सुनना गलत सुनना हमारे दिल पे भी आघात होता है। जो शाम को दारू पीते हैं लोग बाग, वो 500 रुपए उड़ा देते हैं, फिर शाम को अपने घर जाके कहते हैं बच्चों से उनको महंगाई बढ़ गई, राशन नहीं है खाने के लिए। अरे पैसे तो ठेके पे दिया है, मोदी जी क्या करेंगे उसमें? मोदी जी तो राशन दे रहे हैं, आज तक भारत देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कहते थे राजीव गांधी जी मैं 1 रुपया भेजता हूँ 25 पैसे जाते हैं, आज मोदी जी किसान को 2000 भेज रहे हैं तो 2000 जा रहे हैं। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी जी। मैम मोदी जी क्यों बने? हाँ क्यों बोल के आप ही बोलना मेरे को। चलिए मुझे 2 शब्दों में बात बताइए, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नम्म नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री आगबेकेंदु नावेल्ल इष्टपड़ती, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆನೂ ಅದೇ, ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಮೈಸೂರು ಸಭಾ ಜೊ ಮಂಡ್ಯ ಬಲ್ಕಿ ಹೈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯೆ ಥೆ ಉದ್ಘಾಟನ ನೀರೆ ಕೊಸ ರೋಡ್ ಹೈ ನಾ ವ ರೋಡ್ ಉದ್ಘಾಟನ ಕರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಬಿ ಅಭಿ ವಹಾ ಚುನಾವ್ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಉಸ್ಲೇ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೂ ಮೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೂ ಮೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಸಭಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಹೈ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸೆ ಆನಾ बीजेपी आना। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ये है, एक नेशनल प्रश्न अच्छा मिला है हमारे को, जो काम जाए वो ये रहा है, वो अच्छा बंद है। सर अभी वहाँ पे विधानसभा के चुनाव जो है वो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, तो कितना बदलाव जो है वो इन सालों में हुआ है? पहला कर्नाटक में एक ही एक खाता खुला है, ये बार मेरा है, कितना विधानसभा क्षेत्र है सब भी मोदी जी से आंदे, बीजेपी आंदे। बीजेपी आना चाहिए, हमारे गर्व है, हमारे बीजेपी आना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी जरूर आना चाहिए। हाँ जा सर, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जब वो कर्नाटका गए थे तब कैसा रिस्पॉन्स रहा था वहाँ पे? किसमें? राहुल गांधी का कैसा रिस्पॉन्स? सभी अच्छा रिस्पॉन्स दिए, लोग सो कौन सा ये भेदभाव कर रहे नहीं, सभी को ये करता है, जो काम कौन करता है उसे हमें वोट देते है। कौन कर रहा है काम? अब मोदी कर रहा है, मोदी कर रहा है, हमारा गॉड है वो, हमारा गॉड। हाँ गॉड है मोदी। हाँ हम मंडिया में सब बोलते हैं हमारा गॉड मोदी जी है, मोदी जी। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। क्या नाम है आपका? दशरथ अहिरवार। अच्छा जी ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी जी इज अ गुड मैन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो देश के लिए। गुड मैन अभी तक किसी भी नेता ने इतना अच्छा नहीं किया है देश के लिए जितना मोदी जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। कहाँ से आए? गाजियाबाद से। सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मोदी जी बने। मोदी जी क्यों बने? मोदी जी क्यों नहीं बनने चाहिए ये बताइए आप। सर विपक्षी कह रहे हैं एक बार एक साथ जुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष क्या राहुल गांधी जी विपक्ष है? क्या राहुल गांधी जी विपक्ष है? नहीं है ना, विपक्ष है ही नहीं कहीं भी। लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं मोदी। क्या लोकतंत्र खत्म कर दिया मोदी जी ने बताएं? तो राहुल गांधी जितना बोल रहे इतना तो मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र में आज तक कोई बोला होगा। राहुल गांधी जी जितना मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं आज तक तो मुझे लगा नहीं इस लोकतंत्र में कोई बोला होगा किसी के बारे में। जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, लेकिन वो फायदा मिल रहा है मोदी जी को। वो थे कौन मनीष शंकर अय्यर जी, उन्होंने कहा नीच, नीच कह दिया मोदी जी को। ऐसे प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं, राष्ट्र हित के लिए ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। मोदी जी दुनिया के सबसे ईमानदार नेता हैं, उनके बारे में सुनना गलत सुनना हमारे दिल पर भी आघात होता है। हम नहीं सुन सकते, बिल्कुल नहीं सुन सकते, बिल्कुल नहीं सुन सकते। ये कह रहे हैं लगातार ये भी बातें कही जा रही हैं कि देश में मोदी जी के विरोध में लहर चल रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी जी को हटा, अब मोदी जी जाने वाले हैं। नहीं नहीं देखो महंगाई क्या है, क्या एक सिलेंडर पर अगर 200 रुपये बढ़ गए तो महंगाई है? उसके लिए देश में भ्रष्ट लोगों को लाए? अगर महीने में हम एक सिलेंडर पे 200 रुपये फालतू दे रहे हैं तो क्या महंगाई बढ़ेगी? जो शाम को दारू पीते हैं लोग बाग, वो 500 रुपये उड़ा देते हैं, फिर शाम को अपने घर जाके कहते हैं बच्चों से उनको महंगाई बढ़ गई, राशन नहीं है खाने के लिए। अरे पैसे तो ठेके पे दिया है, मोदी जी क्या करेंगे उसमें?
मोदी जी तो राशन दे रहे हैं। मोदी जी ने राशन की स्कीम क्यों की कि ये जो जितने भी सब भ्रष्ट लोग हैं इन्होंने सबका पैसा तो छीन लिया पहले ही, अब लोग भूखे मरने के कगार पे आ जाए, ये कर दे वो कर दे, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा कि मरे ना कोई भी, भूख से ना मरे कोई, इसलिए राशन की व्यवस्था कर दी सबकी। ये बहुत बड़ी बात है, आज तक भारत देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कहते थे राजीव गांधी जी मैं 1 रुपया भेजता हूँ 25 पैसे जाते हैं, आज मोदी जी किसान को 2000 भेज रहे हैं तो 2000 जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा उसमें से। सर मेरठ यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान काफ़ी ज़्यादा हैं, और उत्तर प्रदेश के अगर वोटों की बात करें या फिर हम सीटों की बात करें तो लोकसभा में 80 सीट हैं उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि 80 सीटें हम TMC के साथ अलायंस करके 80 सीटें लेकर आएंगे, तो क्या सोचना उत्तर प्रदेश के लोगों का? अखिलेश यादव जी उन पर हंसी आती है, तो अखिलेश यादव जी ने कभी राजनीति का उनको तो क्या कि चांदी की चम्मच मिली थी, राजनीति में परपक नहीं है, वो बोल ही नहीं पाते हैं हाउस के अंदर, वो बोलते नहीं है, वो तो क्या कि अपने पारिवारिक परिवार से निकल जाए तो उनका भाई भतीजा ये वो चाची ताई सब नेता हैं। मोदी जी का कोई है नेता? योगी जी का कोई नेता है? योगी जी की बहन वहाँ उत्तराखंड में चाय की दुकान करती है, आपने भी देखा होगा। तो ऐसे ईमानदार लोगों के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो कितना बुरा लगता है। ये कहते हैं कि जिन्होंने परिवार नहीं संभाला उन्हें क्या पता होगी कि महंगाई बढ़ रही है। देखो परिवार ना संभालना ये कोई बड़ी बात नहीं हुई कि परिवार ना संभालना, उन्होंने देश को समर्पित कर दिया अपना जीवन, उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, और जिसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया तो परिवार के लिए, देखो जब परिवार हो जाता है तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। अब जिस परिवार देश के लिए समर्पित कर दिया तो महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी फिर उनकी, देश के लिए काम करना बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? विक्रम जी कौन बनना चाहिए 24वें प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? काम किया उन्होंने, विकास किया। क्या क्या काम अच्छे लगे आप? मेरे को जो है जैसे राम मंदिर बनवाया है और हाईवे वगैरह बनवाए हैं और जो 3 तलाक का मुद्दा जो था वो ख़त्म कर दिया, कई बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं। मैं UP से। अच्छा ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर मोदी जी के अलावा आपको कोई ऑप्शन क्यों नहीं लगता? कौन है बताइए? कौन आप एक दो नाम आप सजेस्ट कर सकती हैं? सर विपक्ष कह रहा है राहुल गांधी बनने चाहिए, केजरीवाल को लेकर KCR है, ममता बनर्जी है। मैम पूरा हिस्ट्री भी तो देखी जाती है, बैकग्राउंड देखी है ना, सामने एक बार देखिए ना, यहाँ पे और यहाँ पे एटलीस्ट कंपटीशन तो होना चाहिए, कंपटीशन हो तो समझ में आए। सर आप युवा हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं, योगी जी कैसा संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश? योगी जी तो उनके अलावा कोई दूसरा CM दिख ही नहीं रहा है। अखिलेश यादव कह रहे थे TMC के साथ अलायंस करके 80 सीटें। मैं श्रवण यादव हूँ, यादव ही हूँ, अब गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मैं योगी जी को ही सपोर्ट करता हूँ, आप इससे ज़्यादा क्या बोलें? सर अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, अब वो तो ठीक है, अब हर एक चीज़ का एक मुद्दा कहाँ डिपेंड करता है ना, कौन सी मुद्दे पे बात की जाए उसके अकॉर्डिंग होता है, बट अभी बेस्ट हैं योगी जी, बेस्ट हैं, हम बाबा बोलते हैं, योगी जी नहीं बोलते हैं, हम बाबा बोलते हैं। हम बुलडोजर चल रहे हैं तो सर क्या कहें? तो अच्छी बात है ना, वो गलत लोगों पे बुलडोजर चल रहा है, आपके घर पे चला, मेरे घर पे चला। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना आप जैसे युवाओं को डराया जा रहा बुलडोजर दिखा कर। मैम अगर जो गलत करेगा तो बुलडोजर चलेगा, नहीं करेगा तो क्यों चलेगा, सिंपल सी बात है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई क्योंकि मोदी जी डर रहे हैं, मोदी जी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। तो अगर अभी आपने देखा होगा न्यूज़, अगर सॉरी बोल दी होते तो सदस्यता बच जाती, अगर जो इंसान सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं रखता है इसके आगे कोई उसके बारे में क्या बोले? कह रहे थे मैं सावरकर हूँ, अब सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ, मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा? मैम सॉरी बोलने से आप अगर हर कोई सावरकर या वीर सावरकर या कोई बन जाए तो मुझे नहीं लग रहा, अगर सॉरी बोलने से कुछ चीज़ें हल होती है तो सॉरी बोलना खराब नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम इलाहाबाद से आए हैं। सर इलाहाबाद से आए हैं, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? PM मोदी बनना चाहिए। सर मोदी जी क्यों रिपीट करने चाहिए? अच्छा काम किया उन्होंने, 370 धारा हटाया, 35 है और काफ़ी सराहनीय काम किया है उन्होंने। कांग्रेस बार बार पे कह रही है लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं PM नरेंद्र मोदी, ऐसा कुछ नहीं हो सब ऐसे बकवास। कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, बोलने से नहीं होता है, जो काम होता है काम दिखता है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी अशोक पात्र। कहाँ से आई? सिंधुदुर्ग मालवण। अच्छा मैम ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी आना चाहिए। मैम कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों बनना चाहिए? अभी क्या मोदी आके क्या इतना हमारा कोई डिस्टेंस में फर्क नहीं किया है, अभी वो आएगी तो कुछ और करेगा ऐसा लगता है। 70 सालों में कितना बदलाव देखा था मैम? 25 तक का बदलाव।
25% बदलाव देखा 70 में 25 साल का देखा 25% हाँ 25% आप चाहते हैं रिपीट करनी चाहिए रिपीट नहीं वो सरकार दूसरी आने आना है राजीव गांधी आना है रिपीट राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है राहुल गांधी।